हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। फिर से आपका स्वागत है आई एम करियर इंस्टीट्यूट में। हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम सारे के सारे पीवाईक्यू यानी 2012 के बाद जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सब हम चैप्टर वाइज सोल्व करने वाले थे। तो उसमें हमने एक चैप्टर ले लिया था एंडोक्राइन, और सेकंड चैप्टर आता है हमारे पास कौन सा, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम नई एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या हुआ है कि कुछ पोर्शन हट गया है। उसमें हटा कौन कौन सा है, आई और ईयर, तो दोनों को हमने इसमें कंसीडर नहीं किया। यानी उसके जितने भी क्वेश्चन थे उन सब क्वेश्चंस को हम क्या कर चुके हैं, छोड़ चुके हैं। उसके बाद जो जो पीवाईक्यू बचे हैं उनको हम इसमें क्या करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आता है, निसेल्स बॉडी आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, यानी क्वेश्चन है कि जो निसेल्स बॉडी होती है, निसेल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं, ये मेनली किसके बने होते हैं। पहला हमें यह सोल्व करना है निसेल्स बॉडी कहां प्रेजेंट होती है। निसेल्स बॉडी कहां होती है, न्यूरॉन में। कहां होती है, न्यूरॉन में। और न्यूरॉन में भी कहां, साइटोन में होती है। यहां पर यह उसका न्यूक्लियस हो गया और यहां कौन होती है निसेल्स बॉडी होती है। अब यह निसेल्स बॉडी का क्या काम है, यह निसेल्स बॉडी क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है। क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस करती है। यह प्रोटीन क्या काम करेगा इसमें, यह प्रोटीन क्या करता है, न्यूरॉन को ग्रोथ करवाता है और न्यूरॉन को क्या करता है, ड्यूरेबिलिटी बनाए रखता है। समझ में आ गया, क्योंकि इसमें डिवीजन तो होता नहीं है सेंट्रियोल नहीं होने के कारण। तो अब डिवीजन नहीं होगा तो इसको लंबे समय तक क्या करेगा, बना के रखेगा। कौन बना के रखेगा, निसेल्स ग्रेन्यूल। तो इसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम आते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है, उसी से तो बना होगा। तो चलिए आते हैं, प्रोटीन एंड लिपिड्स गलत है, डीएनए और आरएनए गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूक्लिक एसिड्स गलत है। नेक्स्ट आता है फ्री राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों सही है, उसको हम देखते हैं। ये क्यों सही, फ्री राइबोसोम, क्योंकि हमने क्या बोला था, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहा था, प्रोटीन फैक्ट्री, क्योंकि ये प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करती है। अब ये राइबोसोम किस पर होते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होते हैं। किस पर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस टाइप का मैं बना देता हूं एक सिंपल सा डायग्राम, ये जैसे क्या बना दिया हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो क्या होते हैं, दाने जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। क्या होते हैं, दाने जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम। समझ में आ गया। और इस पूरे डायग्राम को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यही मॉडिफाइड होके क्या बना देता है, किसमें, न्यूरॉन सेल में, तो क्या बना देता है, निसेल्स बॉडी। तो कंप्लीट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, इसीलिए हमने इसको ब्रीफ में पढ़े हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है। तो निसेल्स बॉडी आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, किसकी बनी होती है, फ्री राइबोसोम की होती है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होती है। कंप्लीट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय, अब माइलिन शीथ कहां होती है, पहला क्वेश्चन हमारा ये है, माइलिन शीथ कहां पर होती है। तो न्यूरॉन में क्या होता है, जो एक्सोन होता है, क्या होता है, एक्सोन होता है। एक्सोन के ऊपर कौन होती है, स्वान सेल होती है। क्या होती है, स्वान सेल होती है। इन स्वान सेल के ऊपर, किन सेल के ऊपर, इन स्वान सेल के ऊपर, इन स्वान सेल के ऊपर क्या पाया जाता है, माइलिन शीथ पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइलिन शीथ। किनके ऊपर, इन सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, माइलिन शीथ होता है। ये क्या करता है, आप समझिए, करंट को लीकेज होने से बचाता है। समझ में आ गया कि इधर उधर क्या नेटवर्किंग होने से बचाएगा, जिससे मैसेज क्या होगा, सीधा जाएगा एक ही डायरेक्शन में। समझ में आ गया, तो एक ही डायरेक्शन में ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो क्वेश्चन ये पूछा है, माइलिन शीथ किसका बना हुआ है। तो पहला हमने पढ़ा था कि यहां पर क्या होती है, स्वान सेल होती है, ये क्या करती है, इसको प्रोड्यूस करती है। और दूसरा आता है ओलिगोडेंड्रोसाइट, याद रखना है हमें, कौन आता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब क्वेश्चन यहां से भी आता है, पर वो ऐसे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि जो स्वान सेल होती है, ये स्वान सेल कहां बनती है, हमारे पीएनएस में। कहां बनती है, पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बनती है। कौन, स्वान सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट कहां बनती है, तो यह बनती है हमारे सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। समझ में आ गया, तो सीएनएस में कौन पाई जाएगी, ओलिगोडेंड्रोसाइट, और पीएनएस में कौन पाई जाएगी, स्वान सेल। कंप्लीट हो गया, तो माइलिन शीथ किसकी बनी होती है, स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट की। समझ में आ गया, यहां पर एस्ट्रियोसाइट्स गलत है, ओलिगोडेंड्रोसाइट सही है, पर ऑस्टियोक्लास्ट गलत है, बोन्स में होता है, ऑस्टियोक्लास्ट गलत है। तो नेक्स्ट क्या बचा, स्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट। कंप्लीट है दोनों क्वेश्चन, चलिए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। रिसेप्टर साइट्स फॉर द न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन, यानी एक सेल से दूसरी सेल में अगर कोई मैसेज ले रहा है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के जो रिसेप्टर है यानी जो गेन करेगा, अगर कोई मुझे मैसेज देने आ रहा है, समझ में आ गया, नहीं तो मैं क्या हुआ, रिसेप्टर हुआ, मैसेज लेने वाला। आपने देखा होगा
कि पुराने टाइम में घर के बाहर बॉक्स बने होते थे जिसमें कोई भी आया डाके डाक लेके आता था, ठीक है, तो उसमें क्या करते थे, डाल के चले जाते, वो क्या होते थे, रिसेप्टर। क्या होते थे, रिसेप्टर। वैसे के वैसे हमारे न्यूरॉन सेल में कौन होता है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। जैसे ये न्यूरॉन सेल है, क्या है, न्यूरॉन सेल है, ये इसका पोर्शन है। यहां पर क्या होते हैं, सिनेप्टिक नोब होते हैं, और यहां पर फिर से एक सेल होती है जो क्या करती है, इसको कनेक्ट करती है दूसरी न्यूरॉन सेल को। इस दूसरी न्यूरॉन सेल में यहां पर छोटे छोटे क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। समझ में आ गया, तो प्री सिनेप्टिक में या पोस्ट में है, तो पोस्ट वाली प्री कौन सी होगी, पहले, और पोस्ट क्या होगी, बाद में। तो देखिए, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में होती है, गलत है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया अभी, ये गलत है। टिप ऑफ एक्सोन, एक्सोन की टिप पे होती है, क्या ये एक्सोन है, तो यहां कहीं है क्या, नहीं है। नेक्स्ट आता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, यानी ये पोस्ट, यानी पहले वाली होगी प्री, और ये कौन होगी, पोस्ट। तो ये कहां होती है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे ऊपर। समझ में आ गया। और नेक्स्ट आता है मेम्ब्रेन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स, जिसमें एसिटाइलिन कोलिन भरा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स, तो उसमें तो नहीं होते हैं। तो ये हो गया हमारे पास गलत। समझ में आ गया। तो ये अभी तक हो गए हमारे पास कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। द मोस्ट अबडूडेंट इंट्रासेलुलर कैटाइन, समझ में आ गया कि जो सबसे ज्यादा इंट्रासेलुलर कैटाइन है वो कौन सा होता है, इंट्रासेलुलर यानी सेल के अंदर। यहां से क्वेश्चन दो आ सकते हैं कि इंट्रासेलुलर कौन सा और एक्स्ट्रासेलुलर कौन सा है, जिसके बाद में आपने चैनल पढ़े थे सोडियम पोटेशियम के। समझ में आ गया। तो सेल के बाहर होता है कौन, सोडियम। कौन होता है, सोडियम। एक्स्ट्रा सेलुलर कौन है, सोडियम। तो सेल के अंदर कौन होगा, पोटेशियम। इतना इजी क्वेश्चन है। समझ में आ गया। क्वेश्चन आता है अगर द मोस्ट अबडूडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन कौन सा है, तो कौन सा इंट्रासेलुलर कौन सा है, पोटेशियम। भूलना नहीं है, भूलना मना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेलुलर की बात की जाए, ये कौन सा हो गया, सेल से बाहर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर, यानी सेल के बाहर हो रही है, सेल के अंदर है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा सेलुलर। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत है, नहीं है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी। समझ में आ गया। H प्लस सोडियम, सोडियम कहां होते हैं, बाहर होते हैं। कैल्शियम कहां होते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स को फोड़ने में काम आते हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करवाते हैं, रिलीज करवाते हैं। समझ में आ गया। चलिए ये हो गया हमारे पास 4 क्वेश्चन, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए डायग्राम शोविंग एक्सोन टर्मिनल, यानी एक्सोन के टर्मिनल को दिखा रहा है। एक्सोन टर्मिनल कौन सा है, जैसे ये हमने मान लिया एक्सोन है, इसके टर्मिनल को, यानी ये लास्ट वाला डायग्राम दिखा रहा है वाला। समझ में आ गया। तो देखिए, ए डायग्राम शोविंग एक्सोन टर्मिनल एंड सिनेप्स इज गिवन, यानी सिनेप्स दिया हुआ है, उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ए कौन सा है, बी कौन सा और सी कौन सा। बहुत ईजी है। सी वाला क्या है, देखिए इनमें न्यूरो ट्रांसमीटर भरा है। क्या भरा है, न्यूरो ट्रांसमीटर। इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक वेसल्स। क्या बोलते हैं, सिनेप्टिक वेसिकल्स। अब डी आता है यहां पर, आयन है कौन से, कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम। अभी हमने कुछ ही टाइम पहले एक और क्वेश्चन पढ़ा था कि जो रिसेप्टर होते हैं कहां होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। तो ये क्या हो गया यहां पर, रिसेप्टर। क्या हो गए, रिसेप्टर। और एक हो गया सिनेप्टिक क्लिफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ए न्यूरोट्रांसमीटर है क्या, गलत है। ए क्या है हमारे पास, रिसेप्टर है। क्या है, रिसेप्टर है, ठीक है। बी आता है न्यूरोट्रांसमीटर है, सी न्यूरोट्रांसमीटर है, सी गलत है। ये क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स है। समझ में आ गया। सी आता है, ए क्या है, रिसेप्टर है, बिल्कुल सही है, रिसेप्टर। यहां तक सही है ये। सी आता है सिनेप्टिक वेसिकल्स, बिल्कुल सही है। ये क्या है, सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, सी हुआ। समझ में आ गया। चलिए तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है अब, लेकिन ये भी देखिए 2015 का है, और ये भी कब का है, 2015 का है, आई थिंक 2013 का है, यस। और ये भी 2013 या 15 का ही है, ठीक है। एक है कर्नाटका नीट का, यानी पहले नीट अलग अलग हुआ करती थी हर एक स्टेट के लिए, लेकिन बाद में अब कॉमन कर दी गई है। तो अब कई बार क्वेश्चन दोनों में सेम आ जाते हैं, उसी का एक एग्जांपल है हमारे पास। देखिए द फिगर्स ऑन एन एक्सोन टर्मिनल एंड सिनेप्स का दिया हुआ है, उसमें करेक्ट ऑप्शन हमें आइडेंटिफाई करना है। एक क्या हो गया, एक्सोन टर्मिनल हो गया। क्या हो गया, एक्सोन टर्मिनल। अब डी क्या हो गया यहां पर, सिनेप्टिक वेसल्स। ये बी क्या हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर। और सी क्या हो गए, रिसेप्टर। क्या हो गए, रिसेप्टर। समझ में आ गया। ए आता है एक्शन पोटेंशियल, गलत है। बी आता है न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर सही है। डी आता है रिसेप्टर कैप्सूल, गलत है। सिनेप्टिक वेसिकल्स ये भी हमने देखा है। सी रिसेप्टर दिया हुआ है, सही है। डी दिया हुआ है सिनेप्टिकल वेसिकल्स, बिल्कुल सही है।
समझ में आ गया, इतना सा डिफरेंस है देखिए, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारे पास कौन सा, सी वाला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन, यानी थर्मोरेगुलेशन में कौन हेल्प करता है। एक ही हमारे नाम आता है, कौन सा आता है वो आपको पता है, ठीक है, लेकिन फिर मैं एक बार सोल्व करके बताता हूं। नेक्स्ट आता है मेडुला ओब्लंगेटा, ठीक है। क्रांतिवीर आपने देखी होगी मूवी यहां मत मारो, यहाँ छोटा दिमाग होता है जिससे क्या होता है मर जाता है इंसान, तो यहां पर क्या होता है मेडुला ओब्लंगेटा होता है। ये क्या करता है समझिए, एमओ बोलते हैं इसको, मोटा भाई, ठीक है। ये क्या करता है, हार्ट बीट को बढ़ाता है, दिल की धड़कन बढ़ाता है, रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाता है, यानी किसी भी इमरजेंसी के टाइम में। समझ में आ गया, तो ये हो गया मेडुला ओब्लंगेटा का फंक्शन। नेक्स्ट आता है सेरिब्रम, ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम। क्या होता है सेरिब्रम, अब ये क्या काम करता है, ये किसी के भी लिए जैसे सोचना हो, कुछ भी याद रखना हो, समझ में आ गया, देखना हो, सुनना हो, पूरा का पूरा जो प्रोसेस कंट्रोल है वो किसके द्वारा होता है, सेरिब्रम के द्वारा होता है। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है हाइपोथैलेमस, अब हाइपोथैलेमस का काम है थर्मोरेगुलेशन, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करना, और इसके अलावा भूख और प्यास का नियंत्रण करना। क्या करना, भूख और प्यास का नियंत्रण करना। समझ में आ गया, यानी अगर भूख लग रही है तो भी किससे पता चलेगा, हाइपोथैलेमस से। प्यास लग रही है, हंगर एंड थर्स्ट, ठीक है, तो भी कौन, हाइपोथैलेमस। और टेम्परेचर रेगुलेट करना हो तो भी क्या है, हाइपोथैलेमस से। समझ में आ गया। आगे इसी पर सेम एक क्वेश्चन है कि अगर किसी का हाइपोथैलेमस खराब हो गया तो क्या होगा, थर्मोरेगुलेशन नहीं हो पाएगा, उस पर्सन को पता नहीं चलेगा कब भूख लग रही और प्यास लग रही, इतना इजी। आगे एक क्वेश्चन आएगा इसी में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसको क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, कौन, कॉर्पस कैलोसम। चलिए ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स और रीजंस इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद दिस फंक्शंस। अब वापस देखिए, क्वेश्चन वही है, बस घुमा घुमा के आ रहा है, इसलिए 100% आपको ये याद होने चाहिए सारे के सारे फंक्शन की किस ब्रेन के पार्ट का क्या फंक्शन है। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट आता है मेडुला ओब्लंगेटा। अब मेडुला ओब्लंगेटा का क्या काम है, मैंने बताया है हार्ट बीट को बढ़ाना, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाना, ये सारे के सारे काम करता है, कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन इसमें पूछा इनकरेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है लिम्बिक सिस्टम, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लिम्बिक सिस्टम क्या करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम करता है। किसको कंट्रोल करने का काम करता है, सेक्सुअल बिहेवियर सेंसेशन को। समझ में आ गया, कि जो हमारा लैंगिक व्यवहार है यानी सेक्सुअल बिहेवियर, ये किसके द्वारा कंट्रोल होगा, लिम्बिक सिस्टम के द्वारा। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। इसके द्वारा एलजीबीटी वगैरह आपने देखा होगा, ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट यहीं से होता है कि उनको फीलिंग ही नहीं आती। अब उनकी भी गलती नहीं है जो एलजीबीटी जितने भी होते हैं, ले मतलब इसमें लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, अब उनको क्या होता है समझिए, ठीक है। अगर कोई पर्सन है, जैसे आमतौर पर क्या होता है, अगर एक कोई लड़का है उसको बचपन से किसी लड़की के लिए क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो वो नॉर्मल पर्सन है। लेकिन अगर एलजीबीटी कम्युनिटी से अगर आते हैं तो उनको गर्ल्स के लिए अट्रैक्शन ही नहीं होता है, अपोजिट किनके लिए अट्रैक्शन होगा, लड़कों के लिए, तो वो लिम्बिक सिस्टम के कारण। समझ में आ गया, तो ये क्या करता है, सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है। अब यहां पर क्या लिखा है, कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक्स दैट इन करेक्ट डिफरेंट रीजंस ऑफ ब्रेन कंट्रोल मूवमेंट, बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल नहीं करता है। तो गलत कौन सा हो गया हमारे पास, बी वाला, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है हाइपोथैलेमस। अब हमने पढ़ा हाइपोथैलेमस क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर एंड थर्स्ट, यानी भूख प्यास को ये क्या करता है, नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। ये क्या हो गया, गुच्छा पिक्चर, ये क्या है हमारे पास, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉर्पस कैलोसम, तो राइट और लेफ्ट को क्या करता है, हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारे पास करेक्ट हो गया, एट्थ वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नाइन्थ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस ऑफ द ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विद फंक्शन। वापस वही क्वेश्चन आया है, देखिए कोई चेंज नहीं, 2015 जो कैंसिल हो गई थी नीट उसका, और ये 2018 में, इसलिए जरूरी यही है कि बार बार मैं कहता हूं पीवाईक्यू सॉल्व करो, क्योंकि क्वेश्चन कुछ नहीं हुआ है, घुमा कर ही आया है। मैथ में अलग कंसेप्ट हो सकता है, फिजिक्स में अलग क्वेश्चन बन सकता है कि थ्योरी के ऊपर कि स्पीड इतनी है तो उसको हटा के स्पीड दूसरी दे दो, लेकिन आप ये समझिए यहां पर बायो में क्या चेंज हुआ, डाइजेशन जो है अब सीधी सी बात है डाइजेशन टॉपिक भी हट गया, लेकिन अब आपको पता है कि रेस्पिरेशन हम कैसे करते हैं, वो प्रोसेस है इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, तो क्वेश्चन कुछ आएंगे दूसरे नहीं, बस इन्हीं को घुमा घुमा के दिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट, कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, देखिए कम्युनिकेशन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल कॉर्टिक्स, यानी राइट और लेफ्ट को क्या करता है,
कम्युनिकेशन करता है, दोनों को जोड़ता है। नेक्स्ट आता है सेरिब्रम, कैलकुलेशन एंड दी ठीक है कॉन्टेम्पलेशन, ठीक है यानी सेरिब्रम क्या करता है, कैलकुलेशन का काम करता है और क्या करता है, कॉन्टेम्पलेशन का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेडुला ओब्लंगेटा, कि मेडुला ओब्लंगेटा क्या काम करता है, होम्योस्टेटिक कंट्रोल। होम्योस्टेटिक का मतलब कि क्या होता है, जितनी भी हमारी बॉडी को अगर एडप्शन है उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, जैसे रेस्पिरेशन हो गया और क्या हो गया, ब्रीदिंग जैसे उसमें हो गया, और कौन आया, हार्ट बीट, ठीक है। सेरिबेलम, अब सेरिबेलम क्या होता है, लैंग्वेज कॉम्प्रेशन, बिल्कुल गलत है, इसका काम है सेरिब्रम का, समझ में आ गया। सेरिबेलम किसका पार्ट है, हाइंड ब्रेन का। अब ये भी क्वेश्चन आया कि हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट है, सेरिबेलम नॉट सेरिब्रम, सेरिबेलम पोन्स और मेडुला ओब्लंगेटा, समझ में आ गया। अब ये क्या काम करता है, सेरिबेलम बॉडी से कनेक्ट करता है ब्रेन को और मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, समझ में आ गया। तो गलत कौन सा हो गया हमारे पास, डी वाला, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आता है इंजरी, देखिए इंजरी लोकलाइज्ड टू द हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिस्टर्ब्ड, यानी मतलब कि क्या होता है, अगर किसी में इंजरी हो गई, अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन, अगर बॉडी में कहीं इंजरी हो गई ठीक है, किसकी इंजरी होने से क्या सिस्टम खत्म होगा, देखिए शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी अगर इसमें हम खत्म हुआ है कौन, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस से याददाश्त का कोई कनेक्शन है, नहीं है, ये क्या काम करता है, भूख प्यास का नियंत्रण और थर्मो रेगुलेशन। तो चलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी खरा गलत है, ठीक है कोई कनेक्शन नहीं, कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन गलत है, सेरिबेलम का काम है, एक्सिक्यूटिव फंक्शन सच एज ए डिसीजन मेकिंग, डिसीजन ये थोड़ी लेता है ठीक है, डिसीजन तो हम लेते हैं, सेरिब्रम लेता है ठीक है। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो ये क्या करता है, जो बॉडी टेम्परेचर होगा रेगुलेशन वो खत्म हो जाएगा, किसके खत्म होने से, हाइपोथैलेमस के, समझ में आ गया। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जैसे ब्रेन में चोट लगती है और अलग अलग सिस्टम खराब होने लगते हैं, उसका कारण यही है ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है क्वेश्चन नंबर 11 क्या है समझिए, ए सेजिटल सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज ऑन हर आइडेंटिफाई द लिस्ट टू लेवल्स फ्रॉम ए टू डी, यानी दो करेक्ट कौन से हैं इनमें से, तो करेक्ट कौन से हैं देखिए, ए है हमारे पास सेरिब्रम, क्या है सेरिब्रम, यहां लिखा भी होगा यस ये है सेरिब्रम, सेरिब्रम ये आता है हमारे पास कौन सा, हाइपोथैलेमस, क्या आता है हाइपोथैलेमस, सी आता है कौन सा पोन्स और ये आता है मोटा बाई मेडुला ओब्लंगेट। आप देखिए सी मिड ब्रेन है गलत है, ए सेरिब्रम है और सी पोन्स है बिल्कुल सही है, कॉर्पस कैलोसम गलत है बी और ये भी गलत है, तो करेक्ट कौन सा हो गया हमारे पास, बी वाला। चलिए करेक्ट है यहां तक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, द ह्यूमन हाइंड ब्रेन ये आ गया देखिए, मैं भी कह रहा था ठीक है, द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्रेस थ्री पार्ट्स वन ऑफ व्हिच इज, यानी तीन पार्ट का बना होता है। अब सबसे पहले समझिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, समझ में आ गया। तो फोर ब्रेन में कौन कौन होता है, सेरिब्रम वगैरह होते हैं, मिड ब्रेन में आता है और उसके बाद हाइपोथैलेमस के बाद आता है कौन, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में कौन कौन आता है, पोन्स लिख लेता हूं मैं, पोन्स, उसके बाद कौन आता है, मेडुला ओब्लंगेटा और कौन आता है, सेरिबेलम, सेरिबेलम। तो ये तीनों किसके पार्ट हैं, हाइंड ब्रेन के, किसके हैं, हाइंड ब्रेन के, समझ में आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, स्पाइनल कॉर्ड गलत है, कॉर्पस कैलोसम गलत है, हाइपोथैलेमस गलत है, तो कौन करेक्ट हुआ हमारे पास, सेरिबेलम। ये सेरिबेलम किसका पार्ट है, इसका पार्ट है हाइंड ब्रेन का, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझना है, वो क्या समझना है समझिए, डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यानी जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हॉर्न सेल्स पाई जाती है, क्या पाई जाती है, हॉर्न सेल्स पाई जाती है। इन हॉर्न सेल्स का काम क्या होता है, कि हमें कुछ भी मैसेज भेजना हो, भेज रहे हैं वापस समझना, और गेन कर रहे हैं, यानी कौन सा हुआ, वॉलेंट्री, कौन सा हुआ, वॉलेंट्री। दो टाइप के सिस्टम होते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री जिस पर क्या करते हैं, हम अपना कंट्रोल होता है, इनवॉलेंट्री जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ भी हम मैसेज भेज रहे हैं, गेन कर रहे हैं, वॉलेंट्री वाला, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करती है कौन, हॉर्न सेल्स, समझ में आ गया। अगर ये हॉर्न सेल्स क्या हो जाए, खराब हो जाए, क्या हो जाए, खराब हो जाए, तो क्या होगा समझिए, ठीक है। कम्युनिकेशन इंपल्स गलत है, इंटरगेटिंग इंपल्सेस गलत है, नेक्स्ट आता है सेंसरी इंपल्सेस गलत है, नेक्स्ट क्या होगा, वॉलेंट्री मोटर इंपल्सेस, ये सही है, कौन सा, डी वाला, कौन सा सही है, डी वाला, समझ में आ गया।
तो ये हो गया 13 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 14, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोरेगुलेशन। वापस वही क्वेश्चन है 2019 में भी, देखिए कि कौन करता है। अब सेरिब्रम वापस से वही ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, ये क्या करता है बेचारा, ये करता है थिंकिंग कैलकुलेशन वगैरह, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, थर्मोरेगुलेशन का काम करता है। कॉर्पस कैलोसम क्या करता है, राइट और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करता है। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा क्या काम करता है, हमारी रेस्पिरेशन रेट और कौन सी होगी अलग अलग, हार्ट बीट, इन सब को क्या करता है, बढ़ाता है। चलिए ये हो गया हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 14। अब आएगा कौन सा क्वेश्चन नंबर 15, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिनेप्स। वापस समझिए, यानी सिनेप्स, अब सिनेप्स कहां होता है, जो खाली जगह होती है, समझ में आ गया, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है गलत है। चलिए अब समझना इसको, इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन टू इनटू अनदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, यानी ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल कनेक्ट है वो एक से दूसरे सिनेप्स में पहुंच जाता है, समझ में आ गया, फ्लो डायरेक्टली जाता है। तो सही या गलत है, यह हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, केमिकल सिनेप्स यूज न्यूरोट्रांसमीटर, यानी जो केमिकल होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर का यूज करते हैं, और वो भी कौन सा था हमारे पास, एसिटाइलिन कोलिन, समझ में आ गया, ये भी करेक्ट है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस ए केमिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन द अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ये कह रहा है कि केमिकल सिनेप्स क्या है, फास्ट है किसे, इलेक्ट्रिकल से, बिल्कुल ही गलत है ये तो, समझ में आ गया। तो गलत कौन सा हुआ हमारे पास, सी, क्यों हुआ, क्योंकि कौन फास्ट होता है, इलेक्ट्रिकल फास्ट होता है और केमिकल क्या होता है, स्लो होता है, समझ में आ गया। तो इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस ए केमिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन द अक्रॉस एन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ये गलत हो गया। द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोन आर द क्लोज अप्रोक्सीमेटली इन इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ये कह रहा है कि अगर जो प्री और पोस्ट सिनेप्टिक होती है वो दोनों लगभग पास होती है, अब पास होगी तभी तो मैसेज क्या जा पाएगा, आसानी से जा पाएगा, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा क्वेश्चन नंबर 15, वापस इसको समझ लेना, 100 टाइम ये क्वेश्चन आ सकता है, इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्यों है, क्योंकि ये याद रखना है कि जो इंपल्स होते हैं प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं अब तक भी, और दूसरा आए क्वेश्चन इस चैप्टर से कौन से, हाइपोथैलेमस के ऊपर, समझ में आ गया, या आए ब्रेन के फंक्शन के ऊपर, तीन ही कंसेप्ट के क्वेश्चन है। अब यहां से क्या क्या क्वेश्चन नहीं आए हैं, आई और ईयर का अभी तक अब देखिए एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है अपने को, क्यों, क्योंकि आई और ईयर इस बार एनसीईआरटी ने हटा दिया है, तो आपको पढ़ना भी नहीं है, बस ये याद रखना है कि आई को कौन कनेक्ट करती है, तो ऑप्टिक नर्व, समझ में आ गया, और ईयर को कौन कनेक्ट करती है, तो ऑडिटरी नर्व, बस ये नर्व के बारे में याद रखना आपको, और यहीं तक ये हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, हम नेक्स्ट लेक्चर हम क्या कर रहे, देखिए सबसे पहले एंडोक्राइन पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, नर्वस सिस्टम, अब पढ़ेंगे कौन सा, एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में, समझ में आ गया। तो आज के लिए यहीं तक, तब तक के लिए बाय, तब तक के लिए बहुत सावधान रहे और सतर्क रहे, और कुछ भी हो तो क्या करें, 100 पर कॉल करें, ओके बाय, हैव अ नाइस डे।